बस्ती जिले में कुछ दबंगों के द्वारा एक विकलांग के घर का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। पीड़ित वीरेंद्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों से अपनी फरियाद की, तो इस मामले में पुलिस के सामने सुलह समझौता करा दिया गया। लेकिन पुलिस के जाने के बाद दबंगों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी, और जब पीड़ित थाने पर गया तो उसे सुलह समझौते का हवाला देकर थाने से वापस कर दिया गया। पुलिस के इस रवैये से परेशान होकर युवक द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा फिर उसी थाने पर भेज दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि थाने के दरोगा और कुछ सिपाही विपक्षियों से मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं। बगल में रहते हैं, पुरानी दीवार जो थी वो तोड़ दिए थे, और उसके बाद वो हमने कंप्लेंट किया थाने पर, तो उन्होंने सुलहनामा आकर के कहा दीवार हम तोड़ देंगे, फिर पुनः दीवार नहीं जोड़ने दे रहे हैं और ज़बरदस्ती मार पीटने का धमकी देता है कि जान से मार दूंगा तुमको। और उसके पश्चात फिर हमने मुकदमा किया, तो अभी तक उसका कोई कार्रवाई हुआ नहीं। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी दीवार जो पुरानी है वो जुड़ जाए। क्या दबंग टाइप के लोग हैं, मनबल टाइप के? हाँ सर, दबंग टाइप है, वो जान से मारने का धमकी देता है। और उसके बाद फिर फिलहाल वो इसका एक चाचा था, हमारे चाचा को लाइट में मतलब वो मार्केट गए थे, आ रहे थे उनको मारा। थाने का प्रकरण है जिसमें एक व्यक्ति दीवार गिरा दी गई थी, और मेरे द्वारा इसमें हमारे निरीक्षक को निर्देशित किया है कि राजस्व विभाग के सहयोग से इसके कार्य को पूर्ण कराएँ, और इसमें जो भी समझौता हुआ है दोनों पक्षों की मौजूदगी में उसका अनुपालन सुनिश्चित। सर, जान माल की भी धमकी दी जा रही है, इस संबंध में अभियोग दर्ज है और उसमें विवेचना की जा रही है और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।